Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about time management. So stick with me and know what is basically a time management and what are key principles ke aap kis tarah se apne time ko properly manage kar sakte hain. So let's get started. So basically time management means ke aap jo hai figure out karein ke aapki kaun kaun si activities hain, aapne jo hai unko effectively kis tarah se karna hai bilkul short time mein. और यू बोल सकते हैं आप लिए इट्स लाइक अ प्लानिंग एंड डूइंग योर इम्पॉर्टेंट एंड अवॉइडिंग वेस्टिंग टाइम. और जो है आप उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट ना करें जो कि आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट हैं. और कुछ इस तरह के आप ट्रिक्स यूज़ करें कि आपका काम फास्टली हो जाए, जल्दी हो जाए और इफेक्टिवली उसका रिजल्ट आपको मिल सके, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है कि यू कैन बी प्रोडक्टिव एंड लेस स्ट्रेस्ड. सो लेट्स डिस्कस सम की प्रिंसिपल्स के कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए. आर फर्स्ट की प्रिंसिपल इज सेटिंग गोल्स. सिंपली जो है आपको डेफिनेशन मिल सकती है, आप यूँ बोल सकते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उनको सेट करना. नेक्स्ट जो आपके पास की प्रिंसिपल है वो है प्लानिंग. वी कैन से प्लान स्ट्रक्चर योर डे फॉर वीक और मंथ, आपकी मर्जी, आप किसी भी डे के लिए, मंथ के लिए, अपने वीक के लिए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपनी जो है टू डू लिस्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइम ब्लॉकिंग. आप इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह की प्लानिंग करें, आप यूँ बोल सकते हैं कि आप अपने डे को ब्लॉक्स में जो है स्पेसिफाई कर लें. उन ब्लॉक्स में आप ये सोचें कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी करनी है. इससे जो है आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट हो सकती है आपकी मल्टीटास्किंग और इससे आपका फोकस भी मेंटेन हो सकता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इसेंशियल जो चीज़ है वो ये है कि स्टार्ट योर डे विद अ प्लान. उसके बाद जो है आप उस टेक्निक पे या प्रिंसिपल पे काम कर सकते हैं कि प्रायोरिटाइज करें अपनी एक्टिविटीज़ को. ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा बाद में करके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स, थ्री एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू इन अ डे एंड गेट स्टार्टेड. रैंक एवरी थिंग और एवरी आइटम ऑन योर लिस्ट ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 एंड देन ऑर्डर देम अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है या प्रिंसिपल है वो ये है कि लिमिट योर डिस्ट्रैक्शंस. एवरीवन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, तो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं. हाँ, तो वेदर आपके पास जो है ईमेल हो, आपके किड्स हो, कोवर्कर है, सोशल मीडिया है, काउंटलेस थिंग्स हैं. ठीक है, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू इन अ प्रोग्रेस. वाइल यू कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ देम, तो आप उनको लिमिट कर दीजिए. नो व्हेन टू से नो टू मीटिंग्स. ठीक है, आपके बहुत सारी इस तरह की मीटिंग्स होती हैं तो आप ट्राई करें कि आप अपनी मीटिंग्स को थ्रू ईमेल हैंडल कर लें. आपकी जो भी बातें आप ईमेल करके उसको जो है जो भी आपको बात करनी है मीटिंग में ईमेल के थ्रू आपको कर लें, तो इससे आपका टाइम अच्छे से मैनेज हो सकता है. इसके अलावा जो हमारी लास्ट टेक्निक है जो या लास्ट जो हमारे पास की प्रिंसिपल है वो ये है कि टेक टाइम टू रिचार्ज. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम सबको रेस्ट की और स्लीप की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. आपकी नींद पूरी नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी टास्क और एक्टिविटी इन अ डे. तो जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी चीज़ को दें कि आप टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आपकी हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से प्रॉपरली अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें. मेक श्योर यू टेक टाइम टू रेस्ट योर बॉडी नीड्स. सो आई होप कि इन सारी स्ट्रेटजीज पे और इन सारे की प्रिंसिपल्स पे काम करके आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी जितनी भी आपकी टू डू लिस्ट है उसको प्रॉपरली आप जो है अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. और आई होप कि आपको मेरी इस पूरी वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप यू हैव इंजॉयड. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. जितना मेरे पास नॉलेज है आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट के जितना मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूं और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं. तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग.